तो गाइस देख सकते हो प्रेयर चालू हो चुकी है और बहुत ही सुंदर प्रेयर हो रही है भाई वहाँ से देख सकते हो। बहुत अच्छा सिंगर, हम लोग तो बहुत बेसुरे रहे हैं हम लोग बहुत बेसुरे रहे सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज है हमारा पांचवा दिन चकोरी में, तो आज हमारा सेकंड लास्ट दिन है। वैसे भी कल एक और दिन हम लोग कल निकल जाएंगे, आज हम लोग बेसिकली लास्ट दिन, तो आज हम लोग घूमेंगे। और हो सकता है अगर प्लान कोई बनेगा बाहर का तो वो भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा। फिलहाल अगर व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके से और अपडेट्स देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करो जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड यार भाई मेरे पीछे देख सकते हो तुम लोग कितनी ज़्यादा, मतलब ये चाय रख गए, अब ये सात पता नहीं छः बजे चाय रख गए थे, अब वो सूख गई है, मतलब ठंडी हो गई है, तो अब तो पीने वाली नहीं हो रही। उसके बाद देख सकते हो भाई कपड़े देखो कैसे रखे हुए हैं, बैग, ये तीनों बैग कपड़े फैले हुए देखो भाई, ये कंडीशन देखो, पूरे कमरे की कंडीशन देखो ये भाई, ये सब देखो। हम लोगों ने आज डिसाइड किया है कि आज दिन में इस पूरी कपड़े पड़े ये जो है रजाइयाँ पड़ी इनको साफ करेंगे, पूरा कमरा अच्छे से साफ कर देंगे। उसके बाद फिर कल हम लोग निकलेंगे सोमेश्वर के लिए, वहाँ दो दिन रुकेंगे और वहाँ का भाई तुम्हें दिखाऊंगा क्या सीन होने वाला है। पर आज फिलहाल ज़्यादा हम लोग लंबी ट्रिप नहीं करने वाले, आज हम लोग यहीं लोकल में ही घूमेंगे चकोरी के अंदर। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं लेक्स को। आज बताओ कहाँ चल, कहीं सोते रहूँगा आज, क्या सो गए, चलते पे कहीं आज ट्रैक चले, ट्रैक सामने वाला, सामने वाला पहाड़ है ना, वहाँ हम ट्रैकिंग करने की सोच रहे हैं आज, बताओ चलोगे, मेरा चश्मा ढूंढवा दो। अच्छा अबे नहीं सुनना, वहाँ चलते ना खाली दल के आए, नहीं बे कारा करनी पड़ेगी फालतू में, नहीं है कहाँ ये खाली दल कहाँ है, अरे जो कल पैदल रास्ता है, पैदल नहीं है गाड़ी से, कितना एक डेढ़ घंटे है, वो भी 20 मिनट बता रहे। जैसे आज खाने में भाई छोले भटूरे बने, कल अंकल ने बता दिया हम लोग को, मज़ा आ गया, हमने कहा चलेंगे आज खा के आएंगे। गैस कल पता है क्या हुआ, हम लोग रात में 11 बजे जगे हुए थे, ये दोनों मूवी देख रहे थे, ठीक है मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो हुआ ये कि भाई हम लोग फ़ोन चला रहे अपना स्टोरी लगा रहे इंस्टाग्राम पर, तो भाई आवाज़ें आने लग गई क्योंकि कल हम लोग वैसे ही डरे हुए थे, तो वैसी बातें हो गई थी कल सारी कि भालू ना आ जाए, भालू ना आ जाए, ये सब ना हो जाए है। उसके बाद हम लोग आग बुझाई नहीं, हमने आग जली रहने दी थी, उसके बाद दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गए, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि एक दो आवाज़ आई भाई, बड़ी अजीब सी आवाज़ आई, एकदम घुर्राने वाली, ऐसा लगा कोई जानवर आ गया, ठीक है, पर वो ट्रक की आवाज़ थी, पीछे से ट्रक जा रहा था कोई। फिर तीसरी बार एक और आवाज़ आई, बगल में एक अंकल रहते हैं तो उनकी घर्राटे की आवाज़ थी भाई, मैंने कहा यार ये क्या सीन हो गया, अंकल घर्राटे ले रहे थे। तो गाइस अभी एक प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे कैमरे में, मतलब जो स्क्रीन थी ना वो पहले से ही ख़राब थी, अब इस समय पूरी स्क्रीन ख़राब हो चुकी है, मतलब यहाँ पर शो नहीं हो रहा, और मैंने गलती से व्यू फाउंडर की सेटिंग भी बंद कर दी, व्यू फाउंडर में जो दिख रहा था ना वो भी अब नहीं दिख रहा है, तो दोनों तरफ से ऑफ हो चुका है, और सेटिंग मैं रीसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है। तो अभी फ़िलहाल अगर तुम लोग को इसमें से कुछ भी अगर लगे कि मैं इधर उधर हूँ तो यार वो समझ लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं किस तरीके से इसमें शूट कर रहा हूँ। फिलहाल जो भी है तो मैं अभी तो देख सकते हो भाई पीछे मौसम जो है वो तो क्लियर हो चुका है, कल बाद वहाँ पर बर्फ़ गिरी थी, तो भाई देख सकते हो भाई अभी तो क्लियर नहीं है, शाम तक तो पूरा हो जाएगा वैसे। सो इस समय हम लोग आ चुके हैं किचन पे, ये रहा किचन भाई देख सकते हो, हम लोग यहाँ के खाना खाते हैं और अभी आज छोले भटूरे खाएंगे भाई, मज़ा आ जाएगा मेरे तो फेवरेट, हम तो कॉलेज में जाके वही खाते थे 30 रुपया की, तुमने वहाँ खिलाया था, मज़ा आता है, छोले कुलचे छोले भटूरे मज़ा आ जाता है। अभी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कैमरे रिकॉर्ड हो रहा है पर स्क्रीन एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रही कहाँ क्या है। ये देखो भाई अपना छोला भटूरा, ओए आस्कर आओ इधर आओ, हाँ कुछ लगा है ना, इसके घुंघराले बाल लग रहे हैं ना, सिर्फ घुंघराले घुंघराले लगा है, मिट्टी इट्टी लगी है, ओए बहुत गंदा हो गया है, कान आने भी लगी है, कितना पतला पतला ये, इसको देखो कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहे, लग गया ओचो कुचो कुचो लिटिल लिटिल बिलो जॉर्डा, मेरे को पहली बार जर्मन शेफर्ड से डर नहीं लग रहा है, ये देखो जर्मन शेफर्ड इसे कैसे उठा रखा भाई, अरे 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 मचल गया बेचारा, ओ मेरे बुल्ले मेरा कुत्ता बाबू भाई बहुत प्यारे लगते हैं कुत्ते, वो देखो बहुत प्यारे लगते हैं, अभी हम लोग ने छोले भटूरे खा लिए भाई, बहुत तगड़े थे, मजा आ गया। और अभी यहाँ प्रेयर होने जा रही, देख सकते हो यहाँ पर पीछे तो ग्राउंड है खाली है, तो यहाँ पर अभी 9:30 बजे प्रेयर होती है, सारे बच्चे आते सीनियर विंग के और जूनियर विंग के, अभी मैं तो प्रेयर दिखाऊंगा, ठीक है, जैसा हाई स्कूल में होती थी सेम वैसी होती है, बट यहाँ पर पूजा की जाती है एक तरीके से ज़्यादा। वो देखो गाइस वहाँ से लाइन शुरू हो चुकी है प्रेयर के लिए, तो गाइस देख सकते हो प्रेयर चालू हो चुकी है और बहुत ही सुंदर प्रेयर हो रही है भाई, वहाँ से देख सकते हो तबला बजा रहे हूँ,
इतने सारे बच्चे यार। यार बहुत अच्छा सिंगर, हम लोग तो बहुत बेसुरे रहे हैं हम लोग बहुत बेसुरे रहे बचपन में। तो इन दोनों का सफाई अभियान शुरू हो चुका है और पारस तुम पे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए जमीन साफ करो। और इसको देख बंदर साला बंदर अभी ऊपर जाके छत साफ कर दे बे, जा जल्दी जा। कल गाइस सच में मेरे बगल वाली ये जहाँ रहते हैं ना ये कल ऐसे भालू की आवाज निकाल रहे थे। तो गाइस आज चलो रूम साफ करते हैं क्योंकि कल हमको निकलना है, तो साफ सफाई बहुत जरूरी है ना। यहाँ नेट की बड़ी प्रॉब्लम है यार, यहाँ पर मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा था फ्री फायर गेमिंग चैनल का, तो वो डाउनलोड मतलब अपलोड करने के लिए नेट चाहिए एक अच्छा सा, तो नेट नहीं है यहाँ पर। पहाड़ों में बड़ी यही प्रॉब्लम रहती है कि नेट नहीं आता, तो इस वजह से मैंने फ़ोन को बताया यहाँ रख रखा कुर्सी पर। इसमें अभी थोड़े सिग्नल आ रहे हैं, मतलब जियो का सिम है ना तो सिग्नल आ रहे हैं, एक डंडी नहीं आ रही, बस तीन आ रही है, बाकी एक डंडी नहीं आ रही। बस बाहर रखने के बाद जब अंदर जाते हैं ना रूम के अंदर दो डंडी आती है। भाई साहब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी जाएंगे हम लोग ऊपर साइड, तो वहाँ पर क्या है कि वाईफाई लगे तो शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगी आराम से। यही दिक्कत रहती है कि अगली बार से मैं सोच रहा हूँ भाई कि कुछ ऐसा डिवाइस लेके तो अच्छा नेट मतलब निकाल के दे सके, क्योंकि हम जैसे यूट्यूबर्स को भाई बहुत ज़रूरत पड़ती है नेट और एक लैपटॉप, ये सब बहुत ज़रूरत है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से एक मॉल पड़ता है पीछे, तो वहाँ से कुछ चिप्स के पैकेट लेने क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़ अभी। मतलब हम लोग खाना तो खाए थे, अब सुबह सुबह खाना खाया था, तो पर वैसे भी हम लोग को दिन में कई टाइम कुछ खाने को चाहिए रहता है। तो अभी मेरा चश्मा एक गिर गया था कल परसों में, हम लोग गए थे ना जब नीचे तो मेरा चश्मा गुम हो गया था, तो चश्मा ढूंढना है और चिप्स के पैकेट वगैरह लेके आने हैं। उसके बाद शाम को हम लोग कहीं और भी जाने वाले हैं, वो प्लान मैं तुम्हें बता दूंगा कहाँ जाने वाले हैं, वो तुम्हें दिख जाएगा। भाई साहब यहाँ से हम लोग चलते चलते कितना टाइम लग जाता है, मतलब कानपुर में तो भाई हम लोग जाते थे स्कूटी निकाल लेते थे, कुछ भी सामान लाना हो बगल में दुकान है, पर यहाँ पर क्या बड़ी दूर दूर इतनी दूर दुकान रहेगी भाई, कम से कम तुम्हें 500 मीटर चलना पड़ेगा पैदल, फिर 500 मीटर आना जाना, अरे बाप रे, तभी तो फिट रहोगे। फिलहाल हम लोग चिप्स लेने आए हुए मॉल के अंदर, देख सकते हो 20 का है अभी, अंदर कुछ होगा ही नहीं अभी, हो गया ये 3-4 पैकेट या 5 पैकेट वाले थे ग्रीन वाले नए आए रखी हवा की वजह से, देखो उस पे गिर गई, राख पे गिर गई, देखो कितनी गंदी हो गई है, बहुत गंदी हो गई, इतनी पूरी मेहनत खराब हो गई। पहली बार एक तो पहली बार कपड़े धो ऊपर से वो भी गुड़गोबर हो गया, दोबारा धोने पड़ेंगे। सो अभी देख सकते हो हम लोग वहीं जा रहे हैं चश्मा ढूंढने, और मेरे पीछे देख सकते हो ये ग्रीन हाउस वाली जो फार्मिंग होती है ना वो यहाँ होती है, देख सकते हो काफ़ी जगह पे, पहाड़ों में तो काफ़ी जगह पे तुम्हें ये तरीके की फार्मिंग मिल जाएगी, पर यही तो बात है भाई, मज़ा आ जाता है पहाड़ों में आके। और पीछे देखो अब आज धूप बहुत तेज़ है यार, सच में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, देखते चश्मा मिलता है कि नहीं, कोशिश पूरी रहेगी। सो फिलहाल हम लोग उसी जगह पे वापस आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग ने पिछली बार से यहाँ एक ट्रैक शुरू किया था, तो अभी इसी जगह पे हम लोग फोटो खिंचा रहे थे, देख सकते हो ये वही जगह, बट अभी मुझे चश्मा यहाँ पर ढूंढना है, तो यार पिछली बार तो ड्रोन मिल गया था, ड्रोन गुम हो गया था, पर चश्मा अब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। इधर ही कहीं बैठे थे और मुझे मैं जहाँ तक लगा चश्मा इधर कहीं गिरा था, और अब ये नहीं पता क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग नीचे तक गए, इस साइड से हमको फिर से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि इस साइड में हम इस साइड से आए थे, हमने इससे कहा था वीडियो बनाओ मेरी, एक वहाँ से उसने मेरी वीडियो बनाई थी। थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं, नहीं मिल रहा तो फिर ऊपर एक बार सर्च और कर लेना, तो अभी हम लोग थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं शायद मिल जाए। वो पड़ा है क्या लाल लाल, शायद वो पड़ा मुझे लग रहा है, वो देखो लाल लाल कुछ तो दिख रहा है,
रेड चश्मा आराम से दिख भी जाएगा यार। नहीं है वो नहीं, यहाँ पत्ते ज्यादा होने के कारण ना वो हो गया, स्लिपरी एरिया हो गया ये बहुत ज्यादा। अरे बाप रे, खाली बोतल मिली, मुझे खाली बोतल मिली गाइस, तभी तो फोड़ने के लिए तो ला रहा हूँ, फोड़ने में पास में नहीं, पास में नहीं दूर में। ओ भाई मजा आएगा, मतलब यहाँ कोई कुछ पीने ही नहीं आए होंगे ना, तो मुझे लग रहा है वही चश्मा ले गया मेरा उठा के। दिखा भाई साहब, दे मेरे को, ए ए ए दिमाग पे लेके आओ, नीचे चल जा 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 जा, नहीं नहीं भाई बोतल दोबारा भाई हम लोग फोड़ेंगे अब, तेरे सर पे मार दे। हाँ इसके सर पे मार दे भाई, देखो ये बोतल फेंकने जा रहा है, बहुत मजा आता है गाइस ऐसी ठुकुर पेची करने में, सामने वाला पत्थर है ना उसमें ठोक दे, फिर नहीं फूटेगी देखना चाहे। देखा देखा देखा, ये आ गई वापस, आया टूट गई भाई, ट्रिक शॉट, बड़ी गंदी टूटी यार, ट्रिक शॉट, बड़ी गंदी तोड़ दी। ओ वाओ, ऊपर देख भी सामने, अरे भाई साहब ये देखो गाइस कितना सही, इतना सही लग रहा है भाई, कितना अच्छा लग रहा है यार। यार ढूंढने के बाद चश्मा तो अभी भी नहीं मिला, पता नहीं मुझे लग रहा तो कोई ले ही गया। फिलहाल अगर नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, हम लोग नीचे जाएंगे थोड़ा सा घूम घूम के ऊपर वापस आ जाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। 100 रुपए का चश्मा लिया था लाल बंगले से, बट जाने दो यार, जो चला गया चला गया। सो गाइस अभी मैं पहाड़ों से एक चीज करने वाला हूँ, लैंडस्लाइड करवाने वाला हूँ। सो लैंडस्लाइड के लिए हमको एक पत्थर चाहिए, इस टाइप का एक पत्थर फेंकेंगे नीचे, एकदम लैंडस्लाइड हो जाएगी। ये सब घुर अच्छी पहाड़ों में मजा आ जाता है भाई करने। ये देखो ये पत्थर, और इसको बस देंगे मोमेंटम, सॉरी गाइस फेल हो गया लैंडस्लाइड, क्या कर सकते। देखो देखो कैसे जा रहा बेचारा, खुद ही लेके आया हम लोग को, कांटे वाले नीचे पेड़ है और जरा सा गिरे तो भाई कांटे आटे चुभ जाएंगे। सो इस समय हम आ चुके हैं थोड़ा नीचे, और ये वाली घास देख सकते हो ये बहुत फिसलती है भाई, इस पेड़ों से आती है, ऊपर वाले पेड़ है ना इन पेड़ों से आती है घास और फिर सूख जाती है, उसके बाद ये हम लोग फिसलवा देती है भाई गंदी वाली। तो चश्मा तो नहीं मिला है, हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं जंगलों के अंदर, काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि आज वैसे भी कुछ करने को था नहीं, तो हम लोगों ने सोचा चलो ट्रैकिंग कर लेते हैं छोटी सी अपनी लोकल ट्रैकिंग। और ये हम लोग और नीचे जाने वाले हैं अभी उस साइड पर जहाँ तक राइट। और फिर हाँ मुझे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है मेरे पास चश्मा पड़ा होगा पहले से ही, और वो हम लोग ड्रोन के समय उछल लेते ना जब, वो तब गिर गया वहीं पर, ये भी हो सकता है। तो ड्रोन हमें मिला कहाँ था। सो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं 5 मिनट के लिए, देख सकते हो यार गाय भैंस जा रही है यहाँ से, मतलब बंदा आ रहा है तो थोड़ा सा डर कम हुआ है, क्योंकि खाली खाली ना हम ही तीन हैं यहाँ। फिलहाल मज़ा बहुत आती है ऐसे जंगल के बीच में बैठ के, अगर मैगी वैगी पकाते तो और मज़ा आता। सो देख सकते हो गाइस हम लोग बिल्कुल जंगलों के बीच पे आ चुके हैं, और यहाँ से भी रास्ता है आगे वाले पहाड़ के लिए, और इधर भी अगर हम लोग इधर से ऊपर जाएंगे ना तो सीधे ऊपर ही पहुँचेंगे। कौन सा रास्ता कहाँ जाता है मेरे को कुछ नहीं पता, पर हम लोग ट्रैक कर रहे हैं इस तरीके से। क्या मिला शू? ओ भाई साहब मुझे लग रहा है भालू ने जिसको खाया होगा उसी का शू होगा ये, देख सकते हो तुम में से किसी का एक शू ना हो जाएगा यहाँ से। इन लोगों की डर रही है भाई। ओह शिट, ये देखो गाय, ये देख रहे हो तुम लोग गाय का है, ये गाय नहीं है, ये बकरी लग रही है मेरे को, ये बकरी है खाई हुई है किसी जानवर ने। चलो चले आगे की तरफ, इधर से पानी जाता है ये नदी होगी पूरी, तो फिलहाल हम लोग आगे चल रहे हैं, अभी तो बहुत आगे आ गए हैं, बस यहाँ पर हमें कोई जानवर दिखे ना, और दिखेगा तो पलटी मार लेंगे बहुत तेज वाली। ये वाला ही रास्ता तो नहीं है पत्थर वाला? नहीं, ये पत्थर वाला जो पहाड़ था ऊपर, मुझे ये वही लग रहा है। एक रास्ता यहाँ से भी जाता है, अभी इस वाले रास्ते को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ क्या है गाइस? ओ भाई ये था क्या, बढ़िया था ना, तोता था भाई, तोता। अरे गाइस तोता मिल रहा है यहाँ पर, मजा। 2 मिनट के लिए वहाँ क्या लिखना है। सो गाइस मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई गुफा है, भालू नहीं है भी कि नहीं है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, अगर होगी तो अच्छी बात है। हम लोग अंदर जाएंगे, भालू को बुलाएंगे, कहेंगे भालू भाई आओ खेले, कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है फर्जी, तुम लोग पानी का कुछ नहीं है, बंद है वहाँ पानी। हाँ वो बस ठहरा हुआ पानी है। यहाँ से हम लोग को आगे जाना है उस साइड पे, हम लोग फिर उस साइड से पहाड़ चल के फिर ऊपर जा सकते हैं हम लोग, और घर है वहाँ पे ना। हाँ तो उधर ही पहुँचेंगे हम लोग, लेकिन वहाँ से अच्छा ट्रैक है ये, ट्रैक पार कर मजा आ जाएगी भाई। चल 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 चलो, ये वाला देख सकते हो, इधर से हम लोग बस नीचे जाना है, खड़ी चढ़ाई है, थोड़ा ध्यान से जाना। चलो कैसे जाएंगे यार, थोड़ा बैठ के चलो। चलना चल चल आराम से, पहले तू जा, पहुंच जाऊं। हाँ देख रहे हो कितना बढ़िया ट्रैक हो रहा है भाई, एलोकोंडा वाली पिक्चर देखी ना वैसे ही सीन लग रहा है मेरे को, तो मजा आ रही पर। ओ भाई ये देखिए देखिए देखिए, नीचे देख, नीचे नीचे नीचे, और एक चीज दिखा, ये देख, ये देखो गाइस क्या है भाई, मछलियाँ भाई, सब देख रहे हो तुम लोग गाइस, दिख रहा है ये देखो कितनी सारी हैं, बच्चियाँ हैं ये। ओ भाई यहाँ से गाइस व्यू देखो घाटी का पूरा, ये घाटी देखो कितनी सही लग रही है। ओ भाई साहब गाइस ये देखो, इसके अंदर गुफा हो सकती है, इधर आ इधर आ, मेरे को दिखी कुछ, ये देख इस साइड से। हाँ ये नदी सूख गई, इसलिए यहाँ पर देखो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, उन्हें ऐसे नदी का पहले स्रोत था,
क्यों इधर से ऊपर? नहीं यहाँ से रात होने से पहले जाना ऊपर। तीन एक और है, चार एक के ऊपर हम लोग पहुँच जाएंगे जल्दी। हम लोग इधर इस रास्ते से जाने वाले हैं। सो फिलहाल अभी हम लोग ने आधा ट्रैक कम्प्लीट और ज़्यादा थक गए थे इसलिए हम लोग ऊपर आ गए, वापस आ गए। तो मज़ा बहुत आया, और तुम लोग को आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब मार देना।